evening that is forever going to be etched in your memories. I'd like to invite the one and only, the gorgeous, the stunning, the stupendous Kangana Sharma on the stage to kick off the event for us. Thank you. Thank you.
करने का बताओ। How many Gujaratis in the house? Punjabi? किस किस का दिल गुजरात वाली ले गई है? आपका भी ले गई है? पाजी आपकी तो फाइनल ईयर में निकल गई है। मैं सच बता रहा हूँ, गुजरातियों को दिल दो, वापिस कुछ नहीं मिलना, क्योंकि ये सिर्फ लेना जानते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, उनके घर में कहीं डिटॉल की शीशी टूट जाए ना तो अपनी उंगली काट लेते हैं, हाय हाय डिटॉल का नुकसान ना हो जाएंगे। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ। जब मैं आया था स्वीडन, मुझे बड़ा डर लग रहा था। आईटी हब, पढ़े लिखे शांत गंभीर स्वभाव के लोग शो देखने आएंगे, लेकिन जो पिछले 5-6 मिनट से आप हरकतें कर रही हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर का बच्चा अभी जिंदा है। इस बच्चे को जिंदा रखो, इतना जिंदा रखो कि आपके बच्चे आपको बोले भैया कैसे हो। एक बार जोरदार ताली बजाएं सब सब। और पंजाबी लोग कहते हैं, ये देखो इतने भोले लोग होते हैं, मैं सब बता रहा हूं, जैन स्टोरी के अंदर लिख के आपके सुनीता आई लव यू, इन्हें इस बात का पूरा यकीन है, सुनीता दुनिया में कहीं जाए ना जाए जैन स्टोरी में जरूर आएगी। मैं सच बता रहा हूं, इतने भोले होते हैं, बर्फ को ऐसे देखते रहेंगे, ऐसे ऐसे। मैं कहा क्या देख रहे? मैं तो देख रहा हूं यार बर्फ लीक कहां से हो रही है। आओ पाजी आगे डिस्कस करने वाले, आइए आइए, बहुत बहुत शुक्रिया, बैठिए और लेट आइए, आइए आइए। अच्छा दृष्टि हो रही होगी उसको नहीं बताता क्या होगा, बैठिए बैठिए महाराज, बैठिए 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 बैठिए, अभी भी आ रहे बहुत लोग। अच्छा बड़े लोग होते हैं, बाद में शो में आते हैं, कपिल शर्मा शो देख के आए, राजीव ठाकुर को देखे ही नहीं। भाई साहब जब शादी में लेट आओगे रिबन कटने के बाद तो सालियां का दर्शन कैसे होंगे? और शादी में सालियां अच्छी होती है, ये बात हेलो थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए हैं टाइम के साथ, हेलो जी आओ आओ बैठो, अभी भी जगह बैठ जाओ यार, पाजी बैठ जाओ, इतनी हसीन कुर्सी मिली है ऐसी इलेक्शन लड़के नहीं मिलती। बगल में देखिए आप, मोहतरमा नमस्कार, जितना सुंदर कपड़ा पहना है आज तोता भी आपके हाथ जाए, क्या खूबसूरत लग रही है मैम, वेलकम, बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है, नमस्कार। हाँ नमस्कार करते रहिए, हमें मजा आ जाएगा। ओह सॉरी, अरे बैठ जाओ यार, हो गया सेट, करें शुरू। मेन आइटम को तो नमस्ते कर भी भूल गया, नमस्ते जी। ओह माय गॉड राजीव, सो गुड टू सी यू हियर, यू नो व्हाट, टू सी यू एंड आई आल्सो वांटेड टू सी यू, आई लव यू, व्हाटएवर द वर्क यू हैव डन, वी जस्ट आई लव यू। क्या बकवास है, यही प्रॉब्लम है लड़कियों की, वैसे देखो कितनी इंग्लिश बोल रही थी लड़का, 3 शब्द इंग्लिश के बोल रहे हैं ना, आई लव यू, इनकी हिंदी निकल आती है, मेरी हिंदी निकल गई, यस व्हाटएवर, बट इंग्लिश मुझे फिर भी तुमसे ज्यादा ही आती है। इतनी इंग्लिश आती है तो आई तो हिंदी वालों के साथ थी ना शो में, इतनी इंग्लिश आती थी फिर आ जाती वाया माइक्रोसॉफ्ट, उधर कभी बिल गेट्स से जाकर तुमसे बात हुई, हेलो सर आई वांट टू कम टू सिएटल, आई तो अगर कभी समझ गया पाजी मैं भी जाना ना आ। लेकिन हाँ खरीद जीवना भी है, क्या 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 कहा आपने, वो कह रही खरीद जीवना भी है, ए हम देखते लोग पाजी जिंदाबाद, सी दिस इज द लव फॉर राजीव, ओह माय गॉड राजीव। अच्छा अच्छा पहले नहीं था, जब लड़की बुलवा रही थी ना इसके लिए तालियां हो जाए, मैं देख रहा हूँ सबके लिए तालियां बजी, मुझे इतनी तालियां मिली जैसे मुझे जीएसटी दिया होता है उन्होंने, मेन पेमेंट दी नहीं उन्होंने। बट कुछ भी बोले राजीव, इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है यार, और मैं तुमसे सबसे ज्यादा इंग्लिश आती, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, हेलो मुझे तुमसे ज्यादा इंग्लिश आती, इंग्लिश तुम्हें नहीं आती, और तुम्हें तो हिंदी भी आती है, हरियाणवी भी आती है, पंजाबी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, सिर्फ शर्म ही नहीं आती है। इतना बुरा हाल मेरा अंग्रेजी में,
लेकिन ठीक है, ये जितने लोग आए हैं, इतने प्यारे प्यारे दूर दूर से लोग आए हैं, सब मुझे देखने के लिए आए हैं, थैंक यू वेरी मच। ओह हेलो, वो तुम्हें देखने नहीं आए, वो कॉमेडी क्वीन को देखने आए यार। अच्छा जी, तो मैं क्या कॉमेडी क्वीन हूँ? मैं स्टेज पे ऐसे ऐसे करके आया हूँ हैं? या तुमने मुझे बिकनी पहले देख लिया कहीं? क्या बात कर रही हो? अरे राजीव तुम तो बुरा मान के भाई कपिल शर्मा की बात कर रही हूँ यार। नहीं देखो, कभी भी रेस्टोरेंट में जाओ डायरेक्ट मेन कोर्स नहीं आता ना, पहले आते हैं स्टार्टर। आई अग्री विद यू फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो ये है 5-star होटल का सजा धजा सुशी, और ये देख लो, और ये देख लो पटेल भाई का थेपला पड़ा है जैसे। तो क्या हुआ है उनको पूछ लो, सुशी जितनी मर्जी आसपास पड़ी हो पसंद उनको थेपला ही आता है। लेकिन एक बार इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। एक 10 मिनट की एंट्री के लिए 2.5 घंटे मेकअप पे लगा के आई है, और सच बता रहा हूं औरतों को पता नहीं, मतलब इन महिलाओं को, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो यहां मौजूद नहीं है, मैं इनकी बात कर। अच्छा मुझे सच में समझ में नहीं आती है, जब भगवान ने चीजें बना के भेजी है नीचे, शीशे में खड़े होकर भगवान की चीजों में नुकसान उतार रहे हैं। जो चीज भगवान ने ठीक नहीं बनाई, तुम्हारा $10 का मस्कारा उसको ठीक कर देगा? हाँ तो करना पड़ता है, इतने सारे लोग हमसे मिलने आए हैं, तो दोनों में से एक को खूबसूरत लगना चाहिए, है कि नहीं? और वैसे भी तुम लड़कों को क्या पता फैशन से? अच्छा? बस और आगे हम लड़कियों को देखो यार, अपने स्टैंडर्ड के साथ अपनी ड्रेस मैच करनी पड़ती है, अपनी जिंदगी के साथ अपनी ड्रेस मैच करनी पड़ती है। मैचिंग नाम की भी कोई चीज होती है राजी? हाँ मैजिक तो बहुत करती है ये, मैं सच बता रहा हूँ। उस दिन एक औरत ना पार्टी में आई मेरे ड्राइवर के साथ, मैंने कहा आपके पति क्या है? कहती एक्चुअली आज मेरी व्हाइट ड्रेस के साथ पति मैच नहीं कर रहे थे। अरे नहीं, इसकी मैचिंग अच्छी है, एकदम परफेक्ट मैचिंग। देखो हाय हाय हाय, रेड वाइन की बॉटल लग रही है, और पंजाबियों को ऐसा लगेगा रेड वाइन में कहीं कहीं किसी लस्सी छिड़की है। क्या बात है, क्या लग रही हो तुम। अच्छा एक बात बताओ, जितना लंबा कोट पहना हुआ ना, अगर मास्क लगा लो कृष्ण का बच्चा लगे। थोड़ा तमीज से, आज की लड़कियों में और आज की लड़कियां ना लड़कों के साथ ना कंधे से कंधा मिला के चलती है। मिस्टर राजीव ठाकुर सच्ची जी मिलाओ चलट बाजी बोलती है, मिलाती कोई नहीं, सदा सर कंधे से कंधा लग जाए उसी वक्त श्री देवी से ललिता पवार बन जाती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, इतना छोटा सा दिल होता है उनका, इतना छोटा सा, एक बार किसी का सेट हो गई सारी जिंदगी उसी के साथ। हम मर्दों का इतना बड़ा दिल, जो आए राजी जाए। इतनी पत्थर दिल होती है लड़कियाँ, हम पत्थर दिल होती है ये। पूरी दुनिया को पता है हमारे दिल में ममता है, हमारे दिल में सिर्फ ममता है, हमारे में आंचल भी है, हमारे में करीना भी है, थोड़ी थोड़ी कंगना भी है। और बताओ ये देखो पत्थर दिल ये होते हैं ऐसे। मैं आपको बता दूं, मैं साबित कर सकता हूं, मैं ऐसे बात नहीं करता हूं। अच्छा पता क्या होता है, मैं बता दूं, जैसे हम अमृतसर में रहते हैं, एक बार अमृतसर के लिए जोरदार तालियां हो। मैं बताना चाहता हूं, क्या बात है, अमृतसर से लग रहे हैं, क्या बात है बाजी, बाजी हिंदू को लग रहे हो, क्या बात है बाजी। जो आईटी हब में आके आप सीटियां मार रहे हो ना, ये बिल गेट्स वाली हरकतें नहीं है, ये बलविंदर के ढाबे वाली हरकतें हैं सारे। मैं वैसे बताता हूँ भाजी कि मैं अमृतसर से जब हम कभी दिल्ली की बस में बैठ जाऊँ ना, तो हमें लुधियाने जाना होता था, लुधियाने तक, तो ऐसी खूबसूरत लड़की साथ में बैठ जाए, मैं बताता हूँ पत्थर दिल कैसे होती है, ऐसी खूबसूरत लड़की साथ में बैठ जाए, गलती से बंदे को नींद आ जाए, लड़की कंधे पे सर को थप्पड़ मार रहा, तेरी माँ का कंधा उठ, अब करो उल्टा, लड़की को नींद आ जाए, लड़के के कंधे पे सर रखे, कसम से बता रहा हूँ, सुन कर देता हूँ केवल साइड, इस काम में खारिश हो रही है, ये वाला काम सुझा लेता है, कहीं लड़की डिस्टर्ब ना हो जाए। बंदे ने लुधियाने की टिकट होती है दिल्ली तक नहीं उतरता, इतनी पत्थर दिल होती है, नीचे उतरते बोलते हैं थैंक यू भैया, इतना लंबा सफर तुम्हें बहन बना नहीं लिखी सामने।